हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आरएस अग्रवाल जी की बुक नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 21। और अभी इस वीडियो में हम 25 तक का जो सॉल्यूशन है वो इसमें करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। करना हमें है फैक्टराइजेशन इन सभी सम्स के अंदर जो अब तक आपने किए 1 to 40 क्वेश्चन है लगभग, इसमें हमें फैक्टराइजेशन करना है। चैप्टर का नाम ही है, मतलब जो इन्होंने डिवीजन की है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3B। तो इसके ये जो सॉल्यूशन है ये कैसे होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, उस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना है। ओके, तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 21 का आपको मिला हुआ है a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी। ये तो वैसे का वैसा लिख दिया, इन दोनों के अंदर हमने माइनस को कॉमन ले लिया। तो अब आपको मिलता है a प्लस बी और a प्लस बी दोनों तरफ, तो कॉमन आप ले सकते हैं। a प्लस बी मैंने कॉमन लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी और वही चीज़ जो भी दिया हुआ था वो ही मैंने दोबारा से लिख दिया। फ़र्क ये होगा कि बाहर जो चीज़ मैंने निकाली है वही चीज़ मैं डेनोमिनेटर में भी लिख दूंगा, मतलब जो कॉमन निकाला है उसी से हम हर एक जो डिवीज़न हमने की है उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर जो पावर 3 है वो पावर 3 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक पावर नीचे से कट जाएगी और ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कट गया है। ठीक है, और आपको जो चीज़ मिलेगी वो है a प्लस बी और दूसरी तरफ आपको मिलता है a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से 1 पावर जो है कट जाएगी, 3 माइनस 1 2 होता है और मिला 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर। तो यहाँ आपको लगेगा, आपको जो आइडेंटिटी इस्तेमाल करना है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, ए प्लस बी और फिर आपको मिलेगा ए प्लस बी, एक बार 1 लिखेंगे ए प्लस बी, फिर 1 लिखेंगे और फिर कारण इसका कि एक बार आपको माइनस लिखना है एक बार आपको प्लस लिखना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर लगी है। आपको ब्रैकेट में लिखना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी जो फैक्टराइजेशन हो जाती है, 3 फैक्टर्स इसमें निकले हैं 1, 2 and 3। इज दैट क्लियर आंसर? अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको मिलेगा वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन रहता है वो ये होता है कि अब क्या करें भाई, कौन से कॉमन्स ले हम कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो बन जाए, हमें दिक्कत ना हो। तो मैं वो जो चीज़ है वो ले रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन है वो अभी हम करने जा रहे हैं। ट्वेंटी टू के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, आपको 2ab वाली फॉर्म है वो देखनी है कि कौन सी है, जो कि यहाँ पर ये है।
राइट। तो फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से अब दोबारा से रीअरेंज करेंगे, ये दो और ये दो हमें एक साथ लेनी है, क्योंकि ये तो हो जाएगी ए स्क्वेयर फॉर्म, ये बी स्क्वेयर और ये माइनस टू ए बी फॉर्म बन रही है, तो इसको हम इसी प्रकार से लेंगे। ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। एक जो डिवीज़न है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई, और जो एक डिवीज़न है वो है जेड स्क्वेयर की। समझ में आया आपको, तो माइनस जेड स्क्वेयर अलग लिख दिया। ये जो है ये हो गई एक्स माइनस वाई का स्क्वेयर। आपको लिखना होगा, जैसे ही आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो आपको लिखना होगा कारण कि क्यों ऐसा हुआ। अब कारण जो है मैं राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ, कारण है क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी बराबर होता है ए माइनस बी का स्क्वेयर। दैट्स इट, कारण आइडेंटिटी ज़रूर आपको लिखनी है। अब फिर से यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है, वो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब एक्स माइनस वाई और जेड, एक्स माइनस वाई और जेड, मतलब ये वाली लिखी और ये वाली लिखी, दोनों में मैंने सेम यही चीज़ लिखी है। और फिर करना ये होगा कि एक में आपको लगाना है प्लस का निशान और एक में लगाना है माइनस का निशान, और साथ में यहाँ पर आइडेंटिटी को लिखना होगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बराबर होता है ए बी, ए बी, फिर वही बात, एक में माइनस और एक में आपको लगाना है प्लस का निशान। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हो जिस भी आइडेंटिटी का, आपको वो ज़रूर लिखनी होगी। आंसर अब तक हमने मैच नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 21 का भी नहीं किया, कर लेना चाहिए था वैसे, चले अब नहीं किया तो अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का तो लगभग यही था आंसर, है ना, हाँ यही था। और अब यहाँ पर x माइनस वाई, एक्स और y वाली टर्म पहले लिख दी और z की बाद में, x माइनस वाई, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, बिल्कुल x माइनस वाई, एक बार z प्लस का एक बार z माइनस का, तो ये आपका जो है आंसर हुआ, आपको यहाँ आंसर लिख देना चाहिए। मुझे क्लियर है इतना, क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। तो आपको क्या है, स्ट्रेटजी से चलना है, तरीके से चलना है और फिर सॉल्यूशन को करना है। ये नहीं कि कुछ भी आप पहले अच्छे से रिवीजन ना करो या फिर एक दो टाइप के या दो तीन टाइप के चीज़ें एक साथ करने लग जाओ, तो वो चीज़ें नहीं आती। एक टाइप के क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिए फिर आगे के पार्ट्स को कीजिए। मुझे करवाना पड़ रहा है इस वीडियो में क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो नहीं तो ज़्यादा मैंने इसलिए बनाए हैं। जहाँ मुझे लगेगा कि भी एक वीडियो में एक क्वेश्चन से काम चल जाएगा, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, तो फिर वैसे भी बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब यहाँ जो है ना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, एक डिवीज़न तो ये खुद हो गई, जो दूसरी डिवीज़न है इसके अंदर आप देखोगे वो है ये माइनस ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वेयर। बात ये आती है कि जो परफेक्ट स्क्वेयर्स है वो नेगेटिव में नहीं होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव में है, तो यहाँ पर कॉमन हम निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे हम क्या, माइनस वन, स्पेलिंग सही से लिखा नहीं जा रहा ना, कॉमन हम निकालेंगे माइनस वन को। ठीक है, मतलब माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ मिल जाएगी। कैसे, ऐसे कि इससे हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर। क्यों मिला, आइडेंटिटी आपको राइट हैंड साइड में लिखनी होगी। माइनस कॉमन लिया तो आपको मिलता है ए स्क्वेयर और फिर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वेयर। आपने देखा कि ये जो माइनस है यहाँ पर प्लस हो गया और जो ये प्लस है
यहाँ पर माइनस हो गया और जो ये माइनस है वो यहाँ पर प्लस हो गया, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया ब्रैकेट के बाहर, ऐसा इसलिए हुआ है। तो सबके निशान बदल गए। आइडेंटिटी जो है आपको ज़रूर से ज़रूर लिखनी है, कारण लिखना है, टीचर को परेशान नहीं करना, टीचर खुश होंगे कि बच्चों ने अच्छे से काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर बराबर में ए प्लस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको वैसे ही लिख दिया एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर आपको यही जो चीज़ है आपको राइट हैंड साइड में लिख देनी चाहिए, क्या ए स्क्वेयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वेयर, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो इस्तेमाल हुई है वो ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल हुई है। और अब अगर देखा जाए तो इस आइडेंटिटी के अंदर कह लीजिए और इस आइडेंटिटी में देख लीजिए, दोनों में फ़र्क यहाँ पर है, प्लस वाला जो है यहाँ पर ये माइनस है और इसी वजह से यहाँ पर प्लस वाला जो है ये माइनस का आ गया। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। अब हमें करना है क्या, वही एक्स प्लस वाई। चलिए अब इसको थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, और एक्स प्लस वाई मैंने लिख दिया दोनों ही ब्रैकेटों में। अब क्या होगा, दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर हमें लिखनी होगी a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। अब एक में माइनस लगाना है और एक में प्लस लगाना है। तो जो माइनस लगाया है तो उसके अंदर निशान जो है वो पलट जाएगा, मतलब x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है, जिसकी वजह से ये जो प्लस का था वो माइनस का हो गया और जो ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। इसी तरीके से दूसरे में नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस का निशान है, तो जो जैसा निशान है वैसा ही निशान आ जाएगा, मतलब x प्लस वाई प्लस ए माइनस बी। देख रहे हो कोई भी निशान में बदलाव नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही आ गया क्योंकि बाहर प्लस का निशान था। इज दैट क्लियर? तो ये जो है हमारा हुआ आंसर। चेक करें आंसर तो देखिए ज़रा, एक्स प्लस वाई है, ठीक है, एक्स प्लस वाई क्वेश्चन नंबर 23, एक्स प्लस वाई है, एक बार ए माइनस बी है, एक बार माइनस ए प्लस बी है, माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज़ें वही है और हमारा जो सॉल्यूशन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने सॉल्यूशन जो है उसका कर दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर जो सॉल्यूशन है वो करते हैं, ये है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर आइडेंटिटी लगी रही थी, अभी यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी इसके अंदर पहले, और उसके बाद जो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी इन दोनों के अंदर से जो हमें गेट होगा, ठीक है। ओके, तो पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 25x² माइनस 10x प्लस 1, और जो दूसरी डिवीजन है उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ माइनस 36y². अब आप देखेंगे कि ये जो 25x² है इसको आप लिख सकते हैं 5x का स्क्वेयर, ठीक है। बीच वाली टर्म को एक बार रहने देते हैं, फिर ये 1 प्लस 1 का स्क्वेयर। अब आप देखेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो आपको वापस 10x मिल जाएगा माइनस का, वो ये वाला है, इसको इस प्रकार से मैंने इसलिए लिखा है। और जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 6y का स्क्वेयर। इज दैट क्लियर? आपको क्या मिला,
आपको मिला 5x माइनस 1 का स्क्वायर, और जो दूसरी ब्रैकेट में 6y का स्क्वायर, कारण इसका वो आपको रीजन जो है ब्रैकेट में ज़रूर लिख देना है, जो कि क्या है वो ये है कि अगर आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा a माइनस बी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? गुड। तो फिर आगे आपको अब 5x माइनस 1 लिखना है और साथ में 6y, जो ये दोनों के दोनों है आपने लिखे। एक में प्लस का लगाना है निशान और एक में लगाना है माइनस का निशान। बोले क्लियर है कि नहीं है? गुड। तो इसको दोबारा से एक बार लिखना होगा ताकि जो वेरिएबल वाला पार्ट है पहले हो जाए, कांस्टेंट वाला पार्ट है बाद में। कारण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, या प्लस वाला पहले भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको दोबारा से एक बार लिखेंगे। जो 5x है और 6y है ये पहले, तो हमें मिलेगा 5x माइनस 6y माइनस 1। इसी तरह से ये पहले 5x माइनस 6y माइनस 1। तो अगर इसको चेक करें हम आंसर को, 5x माइनस 6y माइनस 1, 5x इसने तो पहले लिख दिया 5x माइनस 6y माइनस 1, तो ये वाली टर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है हमारा, नथिंग टू वरी। और जो दूसरा जो है वो है 5x प्लस 6y माइनस 1, 5x प्लस 6y प्लस 6y, ओ गलती हो गई, यहाँ पर प्लस आएगा 5x, हाँ 5x प्लस 6y माइनस 1, तो ये हो गई, ठीक है ना। तो आंसर मैच करने का फ़ायदा हो गया, नहीं तो फिर बाद में आप लोग जो है कमेंट करते हो कि सर ऐसे, देखिए जब सामने से करते हैं तो छोटी मोटी गलतियों को जो बच्चे हैं वो जो कह देते हैं कि सर यहाँ ये होगा। ऐसा इसलिए भी हो गया कि मैं अभी पढ़ा करके ही हटा हूँ, मैं अपने आप को जस्टिफाई तो कर रहा हूँ वैसे, लेकिन हो जाता है, और फिर अब आपके लिए वीडियो बनाने लगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है सोल्यूशन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो सोल्यूशन है अभी अच्छे से हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन, इसमें कुछ अलग है तो वो आप देखिए क्या है। पहले एक पार्ट के क्वेश्चंस को आपको कर लेना चाहिए, फिर ही नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करना चाहिए, नहीं तो खिचड़ी सी पक जाती है और फिर वो खिचड़ी किसी को अच्छी नहीं लगती, आपको तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ए माइनस बी माइनस, पहले ही ब्रैकेट लगा दी मैंने, हटा देते हैं ब्रैकेट, बाद में डिवीजन करेंगे। ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो फिर मैं इसको अगेन लिख रहा हूँ, ए माइनस बी एक लिख दिया मैंने, फिर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने की वजह से जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, और आइडेंटिटी भी इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। तो a माइनस बी मैंने लिया कॉमन, नहीं लिया अभी, अभी पहले इसको दोबारा से सिंप्लीफाई कर देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी है भाई, क्योंकि क्या है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ओके। तो फिर आप आगे आपको अब a माइनस बी को कॉमन लेना है, तो सीधी सी बात है कॉमन लेने पर यहाँ पर बचा 1, ठीक है, तो मैं 1 कॉमन ले लिया, और इस टर्म के अंदर मतलब जो ये है पार्ट, इसमें बचा एक तो माइनस लिख दिया और एक बचा a प्लस बी, तो वो a प्लस बी लिखा, लेकिन ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो निशान बदलेंगे, अभी एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर हुई, a माइनस बी लिखा मैंने, तो इस माइनस के कॉन्सेप्ट को तो ध्यान से देना ही है। एक आपसे जो गलती होती है, आप यहाँ कॉमन
के अंदर कुछ भी नहीं लेते हो जबकि वन आएगा। दूसरी गलती, माइनस की वजह से जो यहाँ पर बदलाव आएगा वो आप नहीं लिखते हो, जिसकी वजह से आपका जो समय गलत होता है। तो इस चीज़ को समझो, बात क्लियर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि जब आप छोटे थे, आपको पता ही है कि जब आप छोटे थे तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई होगी कि एकदम से बंदर आपके पास आ गया, ठीक है, बंदर आपके पास आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, आप घबरा गए, तो आप क्या है वापस घर के अंदर चले गए या फिर किसी और के घर के अंदर चले गए, या फिर आपको बताया गया कि आपको जो है उस वक्त ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, उस बंदर को छेड़ना नहीं है, तो आप उसी हिसाब से एक्टिविटी करते हो, है कि नहीं, आपको याद रहता है। तो ये तो नहीं है कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ और ही एक्टिविटी करोगे और उसको छेड़खानी करोगे उसके साथ में, तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि आपके साथ नई चीज़ हुई और आप उससे कुछ सीखे। चलिए, एक बार की बात है कि आपने गैस के अंदर गैस चला दी और गैस चलाने पर वो जो बर्तन गर्म होया हुआ था आपने उसको पकड़ लिया, आपका हाथ में गरम गरम लगा और जिसकी वजह से क्या हुआ, आपको सीख मिली कि आपको गरम बर्तन को नहीं छूना, तो क्या नेक्स्ट टाइम किया। तो वैसे ही यहाँ पर नई नई चीज़ें आपको समझ में आ रही है, तो उसको याद रखो, मार्क्स कट रहे हैं आपके इस वजह से कि बाहर माइनस का निशान है तो निशान बदलेंगे ना, कॉमन लेना है तो अब यहाँ पर ए माइनस भी अकेला था तो यहाँ पर वन आएगा, आप जो है माइनस वन लेते हैं, कुछ और लेते हैं, समझ में आ रहा है, या लेते ही नहीं हो, तो वो गलतियाँ हैं, इन गलतियों से सीखो और गलतियाँ रिपीट मत करो बच्चों, मत करो। तो होप्सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करने थे और हमारा जो सॉल्यूशन हो गया। अब एक गलती जो करते हैं, आंसर मैच नहीं करते हैं, तो आप आंसर मैच कर लेते हैं, ए माइनस बी, ओके, ए माइनस बी, वन माइनस ए, अच्छा यहाँ पर हम अब ये लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी प्लस वन, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं है, वन माइनस ए माइनस बी, तो वो यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा जो सोल्यूशन हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आगे के कोई सोल्यूशंस जो भी है 26 to 30। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय।